नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2019। जी हाँ दोस्तों, इस समय की एक बड़ी अपडेट आ रही है, खुशखबरी खुशखबरी आपकी दोस्तों फाइनल आंसर की देखिए जारी हो चुकी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके नंबर भी बढ़ाए गए हैं दोस्तों और विकल्प भी चेंज हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट है, कुछ प्रश्नों पर दोस्तों आपको कॉमन नंबर भी दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं आपका जो प्राइमरी पेपर वन। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका पेपर वन और पेपर टू दोनों आंसर की को लेकर। तो दोस्तों पेपर टू में आपको कॉमन नंबर भी दिया गया, पेपर वन में दोस्तों क्या हुआ आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आपने पेपर वन दे रखा है, जी हाँ दोस्तों देख रहे होंगे आप लोग सेट ए। जी हाँ दोस्तों, जिन छात्रों ने सेट ए ले रखा था मतलब पेपर में आया था दोस्तों, तो उनके लिए देखिए क्या क्या हुआ है। सबसे पहले दोस्तों बता दें आप में कुछ प्रश्नों पर आपको दोस्तों जिसमें विकल्प चेंज हुआ, जैसे आपका देखिए दोस्तों अगर आपने संस्कृत ले रखा था सेट ए में, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 83, देखिए इसमें आपका दूसरा और तीसरा दोनों विकल्प को सही माना गया है। उसके बाद दोस्तों आपका पार्ट फाइव में मतलब ईवीएस में दोस्तों आपका एक क्वेश्चन था 144 प्रश्न नंबर, इसमें दोस्तों आपका पहला और दूसरा विकल्प दो दो विकल्प को दोस्तों आपको यहाँ पर सही उत्तर माना गया। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आप एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं और इसमें दोस्तों किसी प्रकार का कोई बदलाव हो तो अभी दोस्तों हम आपको कमेंट करके बताते हैं। लेकिन दोस्तों अभी शुरुआत है तो पहले हम चाहते हैं दोस्तों अधिक से अधिक छात्र इस वीडियो को देख सके। और दोस्तों अगर आपका कोई भी पेपर कोड हो, देखिए अगर आपका पेपर सेट बी था तो यहाँ से दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और दोस्तों इसकी जो पीडीएफ की लिंक है ना, उसको हम कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, उससे दोस्तों तुरंत आप डाउनलोड करिए मिलाइए। देखिए दोस्तों जो आपके सामने ये नंबर दिखेगा यही दोस्तों अब आपका फाइनल होगा, इसमें ना तो नंबर होगा बढ़ेगा ना तो नंबर घटेगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपका एक समझ तरह से समझ सकते हैं दोस्तों, ये आपका एक रिजल्ट जारी हो चुका है। देखिए दोस्तों अगर आपका पेपर वन में सेट बी आपने ले रखा था तो सबसे पहले दोस्तों देखिए आपका संस्कृत में क्वेश्चन नंबर आपका 78 यहाँ पर बदल रहा है, और दोस्तों आपका वही इन्वायरमेंटल स्टडीज या पर्यावरण में दोस्तों 139 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बदल रहा है। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से मिलाइए और देखिए आपके नंबर यहाँ पर दिए गए, हर एक प्रश्न को दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे कॉपियां चेक हुई हैं। तो फिलहाल दोस्तों उसके बाद अभी हम डेट करके बता देंगे कि किन किन छात्रों का पैसा रिफंड होगा। देखिए जिन प्रश्नों पर दो विकल्प सही हो रहा है दोस्तों, उन उन प्रश्नों पर दोस्तों जितने छात्रों ने ऑब्जेक्शन कर रखा होगा सबका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ₹500 उनका रिफंड होगा, ठीक है ना। तो एक एक करके दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोग मिला लेते चलिए। अब देखिए आपका आता है सेट सी, देखिए आप इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को रोक कर तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको मिलाने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो, आप लोग जल्दी से जल्दी इसको दोस्तों मिला सके। देखिए इसके बाद पहले आपका आता है बाल विकास, फिर आपका आपका आता है हिंदी आता है दोस्तों, आप लोग जल्दी जल्दी इसको मिलाते हुए चलिए दोस्तों कि आपके कितने नंबर यहाँ पर बन रहा है। उसके बाद दोस्तों अभी हम पेपर टू देखेंगे कि इसमें देखिए इसमें संस्कृत में देखिए दो एक प्रश्न पर दोस्तों चेंज हो रहा है। तो जो छात्र संस्कृत ले रखे हैं तो उनको यहाँ पर थोड़ा सा फायदा देखने को मिलेगा, उर्दू में किसी प्रकार का कोई चेंजेस यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों आप आंसर मिलाएंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको पता चलेगा कि कोई प्रश्न पर विकल्प बदला है या नहीं बदला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है सेट डी, अगर आपने दोस्तों सेट डी ले रखा था तो सेट डी में दोस्तों कहां पर बदलाव हुआ, देखिए सबसे पहले संस्कृत में क्वेश्चन नंबर 268 में आपका पहला चौथा विकल्प सही हो रहा है। उसके बाद दोस्तों आपका पार्ट फाइव में 129 क्वेश्चन नंबर पर पहला और दूसरा विकल्प, तो मतलब दोस्तों चलिए ठीक है, कुछ तो आपको फायदा देखने को मिला ना, कुछ तो प्रश्नों में बदलाव हुआ है। तो आपके लिए ये छोटी सी अच्छी खबर है दोस्तों, जो छात्र मतलब दो नंबर से कम इसमें फेल हो रहेंगे दोस्तों, उन छात्रों को फायदा हुआ होगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि अभी दोस्तों आपको इसको मिलाना है आंसर की को, दोस्तों आप जब मिलाएंगे उसके बाद अच्छे से पता चल पाएगा कि आखिर कितने प्रश्नों पर आपके नंबर बढ़ रहे हैं, विकल्प चेंज हुए। देखिए दोस्तों इस बार आपने हर एक प्रश्न के लिए ₹500 भी दिया था। अब चलिए दोस्तों आपका पेपर वन यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है, चलिए जल्दी से आप लोग पेपर टू देख लेते हैं। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर अभी ये जो आंसर की शो हो रही है आपकी पेपर टू के लिए। जी हाँ दोस्तों, जितने छात्रों ने पेपर टू दे रखा था उनके लिए दोस्तों आपकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कितने नंबर आपके बढ़ाए गए, कैसे क्या क्या हुआ है। तो हमने दोस्तों आपको जैसा कहा कि इसमें आपको एक कॉमन नंबर दिया गया, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आपको कौन सा प्रश्न था जिस पर आपको दोस्तों कॉमन अंक मिला है। तो चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी इसको मिलाइए, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट आप एक ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट के बाद दोस्तों आपको तभी पता चल पाएगा कि आखिर आपके कितने नंबर बढ़ रहे हैं, विकल्प कितने चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको मिला लीजिए दोस्तों, देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पर पार्ट वन आता है, तो पार्ट वन दोस्तों आपका यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। फिर उसके बाद आपका पार्ट टू में हिंदी आ रहा है, तो हिंदी का दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ठीक है ना। फिर दोस्तों आपका पार्ट थ्री में आपका यहाँ पर इंग्लिश आ रहा है, इंग्लिश को आप जितने जल्दी हो सके मिला लीजिए कि इंग्लिश में आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका सेक्शन आएगा आपका उर्दू का, उर्दू को दोस्तों देखिए जितने नंबर आपके बन रहे हैं इसको मिला सकते हैं। फिर आपका बारी आती है संस्कृत की, तो संस्कृत को दोस्तों आप लोग मिला लीजिए जितने नंबर आपके बन रहे हैं संस्कृत में।
फिर दोस्तों बात आती है आपकी मैथ एंड साइंस, ठीक है, मैथमेटिक्स और साइंस दोस्तों जितने बच्चों ने ले रखा है उसको मिलाएंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए दोस्तों आपके यहाँ 133 नंबर प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, सेट ए से 133 क्वेश्चन नंबर। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ देख रहे होंगे साथ सामने, यहाँ पर आपका दोस्तों एक स्टार बन के शो हो रहा है। तो मतलब दोस्तों स्टार का मतलब यही होगा कि सभी छात्रों को एक नंबर यहाँ पर कॉमन आपका दिया जाएगा, 133 प्रश्न। तो सही है दोस्तों, चलिए कम से कम आपका पेपर टू में एक नंबर आपका फ्री का देखने को मिल गया है। तो आपका दोस्तों जो एक नंबर यहाँ फ्री मिल रहा है वो कौन सा सब्जेक्ट से दोस्तों, उसको भी जरा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट होगा आपका मैथ्स एंड साइंस। जितने छात्रों ने दोस्तों गणित और विज्ञान ले रखा था उनको एक नंबर यहाँ पर कॉमन दिया गया है। उसके बाद दोस्तों वही सेट भी आता है आपका पेपर टू में, इसको दोस्तों आप जल्दी से जल्दी मिला लीजिए। जितने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें भी दोस्तों देखिएगा मैथ्स एंड साइंस में आपको एक नंबर आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉमन दिख जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर 143 नंबर क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों सेट बी से 143 दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर है वहां पर दोस्तों आप सभी छात्रों को कॉमन नंबर दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों इसलिए आप लोग देखिए आपका अपना स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जितनी जल्दी दोस्तों स्क्रीनशॉट लेंगे उतनी जल्दी आप मिला लेंगे। सेट सी से दोस्तों आपका कौन सा नंबर कॉमन बन रहा है जरा उसको देखते हैं हम लोग जल्दी से। सेट सी से दोस्तों जो प्रश्न आपका कॉमन बन रहा है वो आपका 123 नंबर क्वेश्चन है। तो ठीक है दोस्तों, अच्छी बात है कि आप लोग को कॉमन नंबर दिया गया, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए पूरा पेपर का, ठीक है, पूरी आंसर की जल्दी से जल्दी मिला लीजिए। उसके बाद दोस्तों बारी आती है आपकी सेट डी की लेके, ठीक है ना, कि सेट डी में आपके कितने नंबर बढ़े उसको भी दोस्तों हम देखेंगे समझेंगे कि अब दोस्तों आगे आपको क्या करना है, क्या मामले में कि दोस्तों क्या होगा। देखिए पेपर टू दोस्तों जो छात्र पास होंगे उनको नौकरी का सीधा मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जो नई वैकेंसी आएगी वो आपका पेपर टू दोस्तों बहुत ही आपके लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों देखिए सेट डी से आपका 128 नंबर प्रश्न था जिस पर आपको एक नंबर कॉमन दिया गया है। चलिए ठीक है दोस्तों, और आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए और दोस्तों एक एक नंबर मिला लीजिए कि कितने और प्रश्न बढ़े। तो आप कमेंट करके दोस्तों बता सकते हैं कि कितने प्रश्नों पर आपके विकल्प चेंज हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमने तुरंत आपको वीडियो पहुंचा दी कि हमने सोचा कि पहले आप लोग मिला लीजिए क्योंकि पेपर आपने दे रखा है दोस्तों, आपके अंदर उत्सुकता बहुत ही ज्यादा होगी। देखिए यहाँ पर डेट भी मेंशन की गई, यूपी टेट 2019 रिवाइज्ड एंड फाइनल आंसर की डेटेड 31/1/2020। जी हाँ दोस्तों, 31 तारीख की आपको यहाँ पर डेट मेंशन हो रही है। तो बहुत ही दोस्तों अच्छी खबर है आप लोगों के लिए कि आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना कि आखिर आपके कितने नंबर बन रहे हैं, और दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी दोस्तों हम आप तक वो पहुंचाते रहेंगे कि अब आपको आगे क्या करना है। तो एक काम दोस्तों, हमने जैसा बोला कि इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्या करना है, शेयर कर देना, जिससे कि दोस्तों इस वीडियो को जो ये वीडियो की लिंक है दोस्तों आपके हर एक दोस्त तक पहुंचे, ताकि दोस्तों आपके हर एक दोस्त मिला सके कि आखिर उनके कितने नंबर बने। जी हाँ दोस्तों, ये काफी जरूरी हो जाता है कि आपके हर एक दोस्त मिला सके आखिर उनके इस बार दोस्तों परीक्षा में कितने नंबर बन रहे हैं। तो बढ़िया रहेगा दोस्तों, और भी जो अपडेट्स आएंगे दोस्तों हम आपको अपडेट करके बताते रहेंगे कि अभी दोस्तों आपको आगे की आपको तैयारी कैसे करनी है और क्या क्या दोस्तों होने वाला है पेपरों में, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग जल्दी से अपने आंसर मिला लीजिए। देखिए हमने आपको बताया पेपर वन में आपके दो विकल्प चेंज तो साफ साफ दिख रहे हैं, जिस पर आपके दोस्तों दो विकल्पों पर नंबर मिला। पेपर टू में दोस्तों आपको एक नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है, और दोस्तों जो भी अपडेट्स आएंगे दोस्तों वो हम आपको अपडेट करके बताते रहेंगे कि अभी और आपको कैसी दोस्तों तैयारी करते रहना है। क्योंकि देखिए अब दोस्तों जितना समय देखिए आपका कम होते जा रहा है, आपको ये बात तो पता होगी ना कि आने वाले टाइम में दोस्तों कंपटीशन का दौर है, सुपर टेट के लिए दोस्तों आवेदन शुरू होने वाले हैं, और आपके मन में जितने भी दोस्तों कंफ्यूजन आ रहे हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि अब क्या करना है, आगे कैसे कैसे क्या क्या करना है सब कुछ, ठीक है दोस्तों। अभी तक आपने इसका स्क्रीनशॉट ना लिया तो जरूर ले लीजिए, स्क्रीनशॉट से दोस्तों आप मिला पाएंगे। देखिए दोस्तों अभी हम इसकी एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर मतलब क्या होगा, प्रॉपर मतलब प्रॉपर शुरू से लेकर दोस्तों हम अंत तक आपको एक वीडियो बना देंगे जिसके माध्यम से दोस्तों आप ये देख पाएंगे कि आखिर आपके नंबर कितने बने। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि अभी आप कंफ्यूजन में हो कि यार कैसे मिलाए कैसे मिलाए, कितने विकल्पों में दोस्तों चेंजेस आ रहे हैं, तो हम एक दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों जिससे कि आप बहुत ही आसानी से उससे मिला सकेंगे, वो आपके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप लोग परेशान मत होइए अभी, तो जितनी भी दोस्तों आपके अपडेट्स होंगे दोस्तों हम आपको अपडेट करते रहेंगे समय समय पर। और फिलहाल अभी आपकी जो आंसर की आई है उससे दोस्तों आप लोग मिला लीजिए, आपके मन में जितने भी डाउट्स आ रहे हैं दोस्तों हम आपके सारे डाउट्स को भी क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल दोस्तों जरूरी है आपकी आंसर की, और मिला लीजिए और कमेंट करके दोस्तों बता सकते हैं। तो अभी देखिए आपको बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं, जो छात्र अभी पास नहीं हो रहे तो भी उनको निराश नहीं होना, ठीक है ना, पास हो गए बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो दोस्तों वीडियो के अंत में बता देते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो जनरल में पास होने के लिए दोस्तों आपको 90 नंबर चाहिए होगा। अगर दोस्तों आप लोग आरक्षित वर्ग से आते हो, ओबीसी एससी या एसटी कैटेगरी से आते हो, तो दोस्तों आपको पास होने के लिए 82 नंबर चाहिए होंगे, ठीक है ना। ये दोस्तों आपका पासिंग क्राइटेरिया है, जनरल में 90 नंबर और ओबीसी एससी और एसटी में 82 नंबर। अगर आपके दोस्तों थोड़े बहुत भी नंबर कम है तो दोस्तों
फिर समझ लीजिए आप पास नहीं होंगे। अगर आपका एक नंबर भी जनरल में दोस्तों अगर जोड़ने पर 89 आ रहा है, ओबीसी एससी एसटी में जोड़ने पर 81 आ रहा है, तो समझ लीजिए इस बार का दोस्तों आपका यूपी टेट यहाँ पर क्लियर नहीं होगा मामला, लेकिन कोर्ट में जा सकते हैं। तो आपको वेट एंड वॉच करना, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।